It said that patients don't remember doctor's prescription, but their communication. But the reality is that a doctor will see you for sure, but there is no certainty that he will talk to you. Hello everyone, myself Akashdeep Sandhu, and here's my team, Abhilasha, as 20-year-old HIV positive patient, Aisha. Ajay as Aisha's father, Aditi Sharma as Aisha's mother, Ahir Harshvardhan as Aisha's brother, Akash Sharma as doctor, Abhishek Dadich as junior resident, Akash Modi as lab technician, Aditi Jhamar as medical counselor, and Aditya as reporter. We are here to perform a role play based on confidentiality pertaining to patient's identity on laboratory results. Our role play begins with Aisha visiting the hospital along with her parents regarding her illness. Doctor sir, come here. Come in. बताइए क्या दिक्कत है? नमस्ते डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है आयशा। 5 दिन से इसकी तबीयत खराब चल रही है, इसका बुखार नहीं उतर रहा और इसको भूख भी कम लग रही है, बदन टूट रहा है इसका और मतलब कमज़ोर लग रही है थोड़ी कुछ समय से मुझे। आप थोड़ा पीछे ना। माता जी 5-6 दिन से आप आ जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि आजकल वायरल फैल रहा है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा करते हैं कि इनके कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है? कल आप आ जाइएगा। नहीं डॉक्टर साहब, रात भर से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, आप भर्ती कर लेंगे। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि इनको भर्ती कर लेते हैं। कोई ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ये पेशेंट आयशा है, इनको ऐसा करो कि वार्ड में एडमिट कर दो। अभिषेक मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, के लिए ऐसा करना कि इनको अभी वार्ड में एडमिट करवा दो, ठीक है? कुछ डॉक्यूमेंट दूंगा मैं उनको, उनके उन पर इनका साइन, उनके साइन करवा लेना। अपनी मुट्ठी बंद कीजिए और ब्लड सैंपल लेना। लैब टेक्नीशियन आस्क्ड द जूनियर रेजिडेंट टू हैंड ओवर द रिपोर्ट्स टू डॉक्टर शर्मा। ये बेड नंबर 10 की फाइल है, जल्दी से डॉक्टर शर्मा को दो, इमरजेंसी केस है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बेड नंबर 10 की फाइल है जो लैब टेक्नीशियन ने दी। यार मैंने फाइल पढ़ लिया, ये पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है, तो ऐसा करना कि यार मैं तो थक गया हूँ, मेरे से नहीं होगा, तो पेशेंट के पास जाओ, ठीक है? वहाँ बेड पे लेबल लगा देना एचआईवी पॉजिटिव पे, ठीक है? और यार थोड़ा बहुत समझा देना उसको, ठीक है? The next scene starts with the junior resident putting the retropositive labels on Aisha's case file and bed. Her family members come to know about Aisha's HIV status and start shouting at her. ये आपके टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें आप HIV पॉजिटिव पाए गए। क्या इसका HIV है? बेटा ये HIV क्या होता है? अरे क्या बोल रहा है तू, जुबान संभाल के बोल, सोच समझ के बोल, वरना मार खाएगा ऐसे। मैंने तो पहले कहा था कि इसको इतनी छूट मत दो। लेकिन मैंने किया क्या है, मेरी गलती क्या है? वो तो तेरे को बताना अब तूने क्या किया है। तुम लोग इतना लड़ाई मत करो, अभी हॉस्पिटल है, आराम से बात करो, हम बैठ के करते हैं आराम से बात। क्या शांति से बात करें, ये तेरे लाड प्यार की वजह से हुआ है जो हुआ है। इसने पहले समाज के सामने मेरा मुंह काला करवा दिया, अब क्या जवाब दूंगा मैं समाज को? इससे अच्छा ये मर जाती ना, मेरे लिए बहुत बढ़िया थी। इट हैज बीन अराउंड 1 वीक दैट आयशा इज डायग्नोस्ड HIV पॉजिटिव। एक्सेप्ट फॉर हर मदर, ऑल अदर फैमिली मेंबर्स हैड स्टॉप्ड विजिटिंग हर देन ऑनवर्ड्स। बेटा तू परेशान मत हो, सुबह पापा और भाई ज़्यादा गुस्से में थे, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तेरे साथ ही हूँ और अभी अपनी तबीयत पे ध्यान दे, सब सही हो जाएगा और बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं सोने जा रही हूँ, तू आराम कर ले थोड़ी देर। ऑन बींग अनेबल टू बियर द ट्रामा, आयशा कमिट सुसाइड।
She jumps from the fourth floor of hospital and dies. She dies not because of HIV, but because of ignorance, exclusion, and stigmatization. यार तूने उसके घर वालों को उसके ऑपरेशन को नहीं समझाएगा अच्छे से, इससे अच्छा मैं चला जाता उसको समझा देता, अब हम पे बात आ जाएगी। आयशा सुसाइड कॉजेस केओस ऑल अराउंड। द डॉक्टर इज शोन पॉन्डरिंग अपॉन हिज एक्शंस एंड अ मीडिया रिपोर्टर अराइव्स फॉर द न्यूज कवरेज। सिटी हॉस्पिटल से ब्रेकिंग न्यूज, एचआईवी पॉजिटिव 20 वर्षीय लड़की ने करी आत्महत्या। आत्महत्या करने पे सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन? हम, डॉक्टर की गैर जिम्मेदारी, या फिर समाज, या फिर उसके घर वाले जिसने एम वक्त पर उसका साथ नहीं दिया। द मीडिया रिपोर्टर इंटरव्यूज अ मेडिकल काउंसलर रिगार्डिंग दिस सेंसिटिव इशू। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य जेजी आपका स्वागत करता हूँ आज तक पर। आज हमारे साथ है मेडिकल काउंसलर डॉक्टर अदिति झवर। आज हम इसे चर्चा करेंगे एच आई वी के बारे में एंड एच आई वी से हाल ही में हुई एक सुसाइड घटना के बारे में। नमस्कार अदिति जी, हमारे लिए अपना कीमती समय निकालने के लिए, और आज हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि हाल ही में हुई सिटी हॉस्पिटल में हुई घटना के लिए आयशा की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, इस केस में गलती दोनों की है, परिवार वालों की भी और डॉक्टर्स की भी, लेकिन मैं परिवार वालों पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं इतना कहना चाहूँगी कि हाँ, उन्हें अपनी बेटी को समझने और समझाने का मौका देना चाहिए था। एक मेडिकल काउंसलर होने के नाते मैं जो डॉक्टर्स की गलती है वो बताना चाहूँगी। देखिए, जो एक पेशेंट होता है वो सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होता, वो डॉक्टर की सलाह और उसके वक्त दोनों से ठीक होता है। तो एक डॉक्टर को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, जिससे वो अपनी बातों को उस पेशेंट को समझा सके और अब उसकी बातें आराम से अच्छे से सुन सके। उसमें एम्पैथी होनी चाहिए कि वो पेशेंट की मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को समझ सके और उसे आश्वस्त करे कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैम, आपके अकॉर्डिंग एचआईवी पेशेंट के प्रति क्या सही अप्रोच है? देखिए, इसके लिए मैं आपको 3 C's के बारे में बताना चाहूँगी। पहला है कंसेंट, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी और तीसरा है काउंसलिंग। सबसे पहले कंसेंट। अगर हम किसी पेशेंट का एचआईवी के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो हमें उसके लिए सबसे पहले उसकी सहमति लेनी चाहिए। दूसरा आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर किसी पेशेंट का एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमें उस बात की जानकारी को गुप्त रखना चाहिए। हमें सिर्फ उस पेशेंट, उसके परिवार वाले या जो उसका इलाज कर रहे हैं, सिर्फ हमें उनको ही बताना चाहिए। और तीसरा आता है काउंसलिंग। एक डॉक्टर को एक एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट, उसके परिवार वाले और उसके पार्टनर तीनों को समझाना चाहिए, और हमें जो पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है उसे मेंटली सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो सोसाइटी के प्रेशर या स्टिग्मा के अंदर ना आ जाए। जी अदिति मैम, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमने इस चर्चा की शुरुआत करी थी एक सवाल से कि जिम्मेदार कौन है, और हम इस चर्चा का अंत भी इसी सवाल से कर रहे हैं जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है।